नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक डेटा फॉर्म बनाना जिसमें हम कोई भी डेटा अगर यहाँ पर इंटर करते हैं तो डेटा को इंटर करने के बाद हम यहाँ पर सेव एंट्री पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास दूसरी जो सीट है डेटाबेस वाली, इसमें हमारा जो डेटा है वो आकर यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर डेटा एंट्री वाली सीट पर आकर कुछ डेटा फिल करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ एम्प्लॉय आईडी, इसके बाद यहाँ पे मैं फिल करूँगा एम्प्लॉय नेम, इसके बाद मैं यहाँ पे फिल करूँगा इसका कोई भी रैंडमली मोबाइल नंबर, इसके बाद यहाँ पर इसका जीमेल फिल कर लेता हूँ, इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करूँगा, डिपार्टमेंट पे आकर यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट इससे मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर सिटी टाइप कर देता हूँ, इंटर प्रेस करूँगा। जैसे ही इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर हमारे पास एक सेव एंट्री के नाम से सेल है, ये ग्रीन कलर में हाईलाइट हो गई और यहाँ पर प्रत्येक सेल के राइट साइड में एक और यहाँ पे राइट का एक साइन नज़र आ रहा है, ये भी यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही कोई डेटा इंटर किया तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर में शो हो जाएगा। इसके बाद मैं जब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से जो भी डेटा है वो यहाँ से हट करके हमारे पास जो डेटाबेस वाली सीट है इसमें आकर के यहाँ पर सेव हो जाता है। इसी तरह से मैं आपको एक और डेटा यहाँ पे इंटर करके दिखा देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी, इसके बाद एम्प्लॉय नेम, कोई भी यहाँ पे रैंडमली नंबर टाइप कर देना है, इसके बाद यहाँ पे जीमेल में टाइप कर देता हूँ कोई भी, जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ से मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ ड्रॉप डाउन एरो से और यहाँ पर मैं सिटी टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। जैसा ही इंटर किया ये यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है सेव एंट्री वाली सेल, इस पर क्लिक करूँगा, डेटा यहाँ से हट करके डेटाबेस वाली सीट पर यहाँ पर आकर ये डेटा सेव हो चुका है। तो दोस्तों जो भी डेटा हमारा यहाँ पे आएगा वो हॉरिजेंटली फॉर्मेट में ही आएगा। तो चलिए हम इस तरह का डेटा कैसे फिल करते हैं एक्सेल में, कैसे एक ऐसा यूजर फॉर्म बनाते हैं, ये सब इस वीडियो में सीखेंगे। बहुत ही आसान है, आपको एक बार प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप आसानी से इस तरह का डेटा फॉर्म बना सकते हो जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका डेटा को यहाँ पर स्टोर कर देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक्सेल की एक नई सीट ओपन कर ली है। अब मैं यहाँ पर मेरी जो भी फील्ड है, रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। इस तरह से मेरे पास ये फील्ड्स हैं, मैंने इनको यहाँ पे टाइप कर दिया है, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और अब इसके बाद मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के सामने वाली सेल को इस तरह सेलेक्ट कर लूँगा। ये तीन सेल हैं, इनको मैं सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल की को दबा के रखूँगा, होल्ड करके रखूँगा। इसी तरह से मैं प्रत्येक फील्ड के सामने वाली जो सेल है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे एम्प्लॉय नेम के सामने इस तरह सेलेक्ट कर लूँगा, फ़ोन के सामने सेलेक्ट करूँगा, ईमेल के सामने वाली सेल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से भी और यहाँ से भी, कुछ इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल की को मैं छोड़ दूंगा। इसके बाद होम टैब में मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करूंगा, ये सारी सेल्स मर्ज हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ पर इनको इस तरह क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये मर्ज हो चुकी है। अब हम इनको फिर से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को होल्ड करना है, इस तरह सेलेक्ट करना है। जेंडर वाली जो सेल है इसे हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे, सिटी को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल्स पे जाएंगे और यहाँ से मोर रूल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट रूल टाइप में फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, इसको सेलेक्ट रखना है और यहाँ पर हमें नीचे आना है, यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है ब्लैंक, ब्लैंक से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये जो सेल है ये जब ब्लैंक रहेगी तो यहाँ पे आप किस तरह की फॉर्मेटिंग चाहते हो, तो फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा, यहाँ से फिल टैब में जाऊंगा, यहाँ से मैं एक हल्का सा रेड कलर चूज कर लेता हूँ, क्लिक किया और यहाँ से ओके कर दूंगा। अब इसका मतलब ये हुआ जो भी हमने सेलेक्ट करके रखी है ये जो सभी सेल हैं, ये सेल जब ब्लैंक्स रहेंगी तो यहाँ पे इस तरह का कलर यहाँ पे दिखाई देगा, हम यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ही ओके किया तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह की फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मेटिंग और करेंगे, इन सभी को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल की को होल्ड करके, सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स पे जाएंगे और यहाँ पे मोर रूल्स पे जाएंगे। यहाँ पर हम अब की बार सेलेक्ट करेंगे नो ब्लैंक्स, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसका फॉर्मेट यहाँ से देना चाहते हैं कुछ अलग तरह का और यहाँ से हम ये एक कलर ले लेंगे कुछ इस तरह का और ओके करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें कोई भी डेटा हम फिल करेंगे, कोई कुछ भी चीज़ न्यूमेरिकल हो या फिर अल्फाबेटिक को इसमें टाइप करेंगे तो इसका कलर हल्का सा ब्लू कलर में हो जाएगा। ओके पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे हम कुछ टाइप करके देखते हैं, इंटर करेंगे तो यहाँ पे इसका कलर ब्लू हो चुका है। इसी तरह से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे हम एक राइट का साइन बनाएंगे। तो इसके लिए हम इक्वल लगाएंगे, इफ़ फंक्शन का यूज करेंगे, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे या फिर टैब प्रेस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट हमारा ये है, यदि ये वाली सेल इक्वल यानी बराबर रहती है ब्लैंक के, यहाँ पर मैं इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करूँगा, ब्लैंक के लिए कॉमा लगाऊंगा, तो यहाँ पे सेल कैसी होनी चाहिए, ब्लैंक, तो मैं इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करूंगा, और यहाँ पे यदि ये ब्लैंक नहीं रहती है तो हमें इसका रिजल्ट चाहिए कैपिटल पी, यहाँ पे हमें कैपिटल पी प्रेस करना है। अभी ये क्यों प्रेस करना है इसे भी मैं आपको अभी बता दूंगा। तो यहाँ पे हम इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें पी यहाँ पे दिखाई दे गया। ये इसलिए दिखाई दिया है क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ फिल करके रखा है। अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पर ये पी हट जाएगा, यदि मैं इस पे कुछ टाइप करता हूँ तो यहाँ पर ये शो होगा। अब यहाँ पे हमें इसको कॉपी करना है कंट्रोल सी, और यहाँ पर हमें एम्प्लॉय नेम वाली सेल के सामने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर भी पेस्ट करेंगे, यहाँ पर भी पेस्ट करेंगे, और नीचे डिपार्टमेंट वाली सेल के सामने पेस्ट करेंगे, सिटी पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हमें जेंडर छोड़ देना है। अब यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी वाली सेल के सामने तो ये नजर आ रहा है, बट यहाँ पर ये नजर नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है। यदि मैं यहाँ पर कोई भी नाम टाइप करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो ये यहाँ पे नजर आ जाएगा। अब हमें ये सभी सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट किया कंट्रोल को दबा करके इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है, जिन जिन में हमने ये जो पी है ये पेस्ट की थी। अब हम यहाँ पर इसका फॉन्ट चेंज करेंगे, तो फॉन्ट चेंज करने के लिए हमें होम टैब में और यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे। तो फॉन्ट है हमारा यहाँ पर विंगडिंग्स 2, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक राइट का चिन्ह आ चुका है। अब यहाँ पे हमें इनको इसी तरह से सेलेक्ट रखना है और हमें जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पे हाईलाइट सेल्स पे जाना है, इसके बाद मोर रूल्स पे जाना है, और यहाँ पर हमें इसको सेलेक्ट करना है नो ब्लैंक्स। यदि ये ब्लैंक्स नहीं रहेंगे तो हमें इनको इनका जो कलर है वो कैसा चाहिए, तो यहाँ से हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से डार्क ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो जब भी इसमें कोई भी डेटा टाइप होगा इस वाली सेल में, तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर में ही शो होगा। तो यहाँ से हम इसको ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो दो जो हमारी ये सेल है इनमें कुछ टाइप है, तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर शो हो रहा है। यदि हम इसमें कोई चीज टाइप करते हैं फोन नंबर, तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर में शो होगा। अब हम यहाँ पर जेंडर के सामने दो ऑप्शन बटन इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें जाना होगा डेवलपर टैब में। दोस्तों ये जो डेवलपर टैब है शायद आपके एक्सेल में इनेबल्ड नहीं होगा। डेवलपर टैब को इनेबल कैसे करते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर फाइल मेन्यू में, या फिर ऑफिस बटन पर क्लिक करके एक्सेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से आपको कस्टमाइज रिबन में जाना है, और यहाँ पर हमें जितने भी हमारे पास टैब हैं वो यहाँ पे नजर आ जाते हैं। इन्हीं में से हमारे पास एक होता है डेवलपर। यहाँ पर यदि आपका ये अनटिक है यहाँ पे इस तरह से, तो इसको टिक कर लेना है और ओके कर देना है, तो यहाँ पर ये डेवलपर टैब शो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे, डेवलपर टैब पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, और यहाँ से एक ऑप्शन बटन क्लिक करेंगे इस पे, इसको यहाँ पे लाके ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। ड्रॉ करने के बाद ये जो हमारा ऑप्शन बटन, इसके अंदर कुछ टाइप हो रखा है, तो इसे हम रिमूव करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे और एरो को लास्ट में ले जाएंगे और इस तरह से इसको रिमूव कर देंगे। हम इसको एडजस्ट करेंगे एकदम इस तरह से। इसके बाद हम इस सेल में क्लिक करेंगे, इसका जो अलाइनमेंट है उसे हम लेफ्ट में करेंगे, होम टैब में जाके लेफ्ट में कर लेंगे। फिर से डेवलपर में आ जाएंगे और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा मेल, स्पेस की से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे हम फीमेल, इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमने जो दोनों टाइप किए हैं मेल और फीमेल, इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, F2 प्रेस करेंगे तो ये एडिट में आ जाएगा, या फिर डबल क्लिक कर देना सेल में तो इस तरह से एडिट कर सकते हैं। इस तरह से स्पेस की से इनको एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके ये जो हमारा ऑप्शन बटन है इसको सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल डी प्रेस करना है, तो इसका एक डुप्लीकेट यहाँ पे बन जाएगा। इसको उठा के यहाँ पे हम फीमेल के सामने ला के रख देंगे और इसको एडजस्ट कर लेंगे।
अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे पास ऑप्शन बटन बन चुके हैं। यदि हम किसी दोनों में से एक पे क्लिक करते हैं तो ये सेलेक्ट होगा, और इसके बाद यदि इस पे क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट होगा, दोनों में से एक ही सेलेक्ट होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारा ऑप्शन बटन है इनका एक रेफरेंस वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ये जो एक्शन बटन है इसके ऊपर, और यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमको यहाँ से चेकड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और सेल लिंक इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें कोई भी एक सेल है वो सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट किया तो यहाँ पर इसका एक रेफरेंस आ चुका है। यहाँ से हम इसको ओके पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए वन नंबर आ चुका है, और जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर दो नंबर आएगा, इसको सेलेक्ट करूँगा तो एक नंबर आएगा। इसके बाद हम यहाँ पर ये जो हमारा डिपार्टमेंट वाली सेल है इसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हमें डेटा टाइप में जाना है, और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाना है, डेटा वैलिडेशन। इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उनके नेम को यहाँ पर एक लिस्ट में बनाना है, सेटिंग्स में रहना है। अलाउ में आने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है लिस्ट, और यहाँ पे सोर्स में क्लिक करना है, और जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं कंपनी में, उन सभी डिपार्टमेंट्स के नाम यहाँ पे कॉमा लगा लगा कर टाइप कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सेल्स कॉमा अकाउंट्स कॉमा फर्नीचर कॉमा MIS कॉमा इलेक्ट्रिकल कॉमा HR। इसके बाद हम यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुकी है, और अब यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमने वहाँ पे डिपार्टमेंट्स ऐड किए थे वो सब इस लिस्ट में यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे हम किसी भी एक डिपार्टमेंट्स को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये जो हमारा कॉलम है इसको हम कुछ इस तरह से छोटा कर लेंगे, कुछ इस तरह, तो यहाँ पर इस तरह से नज़र आएगा। हाँ, इसके बाद ये जो डेटा है इसको हमें यहाँ पर शो करवाना है, तो उसके लिए हम छोटा सा एक फॉर्मूला यूज करेंगे। इस सेल को हमें सेलेक्ट कर लेना है, इसको कुछ इस तरह सेलेक्ट करने के बाद इक्वल साइन लगाना है, और इस वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर ये जो डेटा है जो भी हमने यहाँ पे टाइप किया है वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। इस तरह से इक्वल लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, इसको इक्वल लगाएंगे इसमें, इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, इक्वल सेलेक्ट इंटर। अब यहाँ पर हमें जेंडर को सेलेक्ट करने के लिए इक्वल साइन लगाना है, और यहाँ पे चूज फंक्शन यूज करना है, CHOOSE। यहाँ पे मैं टैब प्रेस कर देता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं इस वाली सेल को सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं मेल, इन्वर्टेड कॉमा बंद, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा फीमेल, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे मैं इंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेल लिखा हुआ आ गया है। ये इसलिए आया है क्योंकि हमारा यहाँ पर मेल सेलेक्ट है। अब यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे और फर्नीचर को सेलेक्ट करेंगे, इंटर, इक्वल आगरा, इंटर। इस तरह से हमने यहाँ पर जो भी डेटा था वो यहाँ पे हमने विजिबल कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सेव एंट्री के एक सेल और बनाएंगे, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे, और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ सेव एंट्री। सेव एंट्री टाइप करने के बाद मैं इसका जो कलर है वो यहाँ पे दे देता हूँ हल्का सा रेड इस तरह का, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसका कलर दे देता हूँ मैं वाइट। इसके बाद मैं एक फॉर्मूला यूज करूँगा, तो इस वाली सेल में फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे मैं लगाऊंगा इक्वल, और यहाँ पे मैं काउंट ए फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, काउंट ए फंक्शन, COUNT A, और यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब हम यहाँ पर इस वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे और कॉमा लगा देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे कॉमा, इसको सेलेक्ट करेंगे कॉमा, इसको सेलेक्ट करेंगे कॉमा, और जेंडर को सेलेक्ट करने के लिए हमें ये वाली सेल सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। इसके बाद फर्नीचर को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और आगरा को सेलेक्ट कर लेंगे। लास्ट में हमें लगाना है यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों यहाँ पर काउंट ए फंक्शन काम क्या करता है कि जो भी हमारी न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकली वैल्यू है उसे ये काउंट करके दे देता है कि कितनी बार यहाँ पर कितनी सेल्स में कितना डेटा टाइप हुआ है। यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 7 बार यहाँ पे डेटा टाइप हुआ है। तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो सही बता रहा है ये। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे, यानी इस फॉर्मूले को विजिबल करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे,
फॉर्मूले को सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद इंटर प्रेस कर देंगे और इस वाली सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स, और नीचे आना है मोर रूल्स पे। यहाँ पे आने के बाद हमको यहाँ से सेलेक्ट रूल्स टाइप में सेलेक्ट करना है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो एक ऑप्शन है इसमें क्लिक करना है और यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इक्वल साइन लगाएंगे और 7 प्रेस कर देंगे, क्योंकि हमारे जो डेटा है ये 7 बार वहाँ पे हमने टाइप किया है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे 7 फील्ड्स फिल हो जाती हैं तो उसके बाद आप किस तरह की फॉर्मेटिंग करना चाहते हो इस वाली सेल की। तो मैं यहाँ पर डार्क ग्रीन करना चाहता हूँ, फॉर्मेट पर क्लिक करूँगा, फिल में जाऊँगा, यहाँ से मैं डार्क ग्रीन सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, किस तरह का चाहिए मेरे को, बोल्ड वगैरह जो भी है। तो मैं यहाँ से बोल्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी सभी जो फील्ड है वो फिल है। तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर में इस तरह से नज़र आ रही है ये वाली सेल। इसके बाद हम डेटाबेस के लिए एक नई वर्कबुक बना लेते हैं। तो मैं इसका यहाँ पर राइट क्लिक करके रीनेम कर देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं डेटा एंट्री। इसका नाम मैंने डेटा एंट्री दे दिया और यहाँ पे न्यू सीट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम और इसका नाम दे देता हूँ मैं डेटाबेस। मैंने इसका नाम डेटाबेस दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डेटाबेस वाली सीट में आना है और यहाँ पे हमें टाइप कर देना है जो भी हमारी यहाँ पर ये फील्ड है, सभी को इनको टाइप करना है, ठीक है। हमें इसकी फॉर्मेटिंग कर लेनी है। इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से सेंटर कर देंगे और यहाँ पर हम इसको बोल्ड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर इसका कलर दे देते हैं जो भी हमें पसंद है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं डेटा एंट्री वाली सीट पर और यहाँ पर अब हम यूज करेंगे माइक्रो रिकॉर्ड। तो हमें डेवलपर टैब में जाना है और यहाँ से रिकॉर्ड माइक्रो पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें माइक्रो का नाम देना है कोई भी। मैं यहाँ पर दे देता हूँ डेटा एंट्री। ध्यान रखना है यहाँ पर हमें कोई भी स्पेस इसमें नहीं देना है। यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा जो माइक्रो रिकॉर्ड है वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम इनको सेलेक्ट करेंगे जो भी हमने यहाँ पे डेटा विजिबल किया है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमको जाना है डेटाबेस वाली सीट पर और यहाँ पे हमें हमारा जो कर्सर है उसको लास्ट वाली सेल में यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे सिटी के बाद लास्ट वाली सेल यही है, आप यहाँ पे भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब मैं कंट्रोल की को होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस करूँगा तो सबसे लास्ट वाली जो रॉ है, सेल है, उसमें पहुँच जाऊँगा, एक्सेल की जो सबसे लास्ट रॉ है उसमें। इसके बाद कंट्रोल की को होल्ड करके लेफ्ट एरो की प्रेस करना है तो हम सबसे फर्स्ट कॉलम में आ गए। कंट्रोल की को होल्ड करके अप एरो की प्रेस करना है तो सबसे फर्स्ट सेल में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम एक ऑप्शन है यूज रिलेटिव रेफरेंसेस, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डाउन एरो की प्रेस करेंगे, अपने कर्सर को नीचे वाली सेल में लेके आएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कंट्रोल अल्ट और वी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशियल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे वैल्यूज और यहाँ पे ट्रांसपोज सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारा वहाँ पर जो भी वर्टिकल डेटा था वो यहाँ पर हॉरिजेंटली फॉर्मेट में पेस्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसकी भी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। होम टैब में जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, ऑल बॉर्डर सेंटर कर देंगे इनको कुछ इस तरह। इसके बाद हम कर्सर को यहाँ लास्ट वाली सेल में रखेंगे। अब यहाँ पर हम जाएंगे डेवलपर टैब में और यहाँ से हम यूज रिलेटिव रेफरेंसेज इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद हमको आना है डेटा एंट्री वाली सीट में। यहाँ पे आने के बाद हमें सिटी को रिमूव करना है, सेलेक्ट करके डिलीट करना है, फर्नीचर को डिलीट करना है और ईमेल को डिलीट करना है, फ़ोन को डिलीट करना है, राम को डिलीट और यहाँ पर आईडी को भी डिलीट। सबसे लास्ट में हमें हमारा जो कर्सर है वो एम्प्लॉय आईडी वाली सेल में रखना है। अब यहाँ पर हमें रिकॉर्डिंग है उसको स्टॉप कर देना है। डेवलपर टैब में स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो माइक्रो रिकॉर्ड है वो स्टॉप हो चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ डेटा को इंटर करके, उसके बाद देखते हैं कि हमारा डेटा डेटाबेस वाली सीट में जाता है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं।
टाइप करने के बाद मैं इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो सेव एंट्री वाली सेल है ये हाईलाइट हो चुकी है, तो इसका मतलब हमारी जो सारी फील्ड है वो फिल हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हमें व्यू टैब में जाना है और माइक्रोज ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से हमें व्यू माइक्रोज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमने जो माइक्रो रिकॉर्ड बनाया था वो यहाँ पर ये रहा। इसको हमें सेलेक्ट करना है और रन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक किया तो हमने जो भी डेटा यहाँ पे टाइप किया था वो यहाँ से रिमूव हो गया और हमारी डेटाबेस वाली सीट है इसमें आके यहाँ पर ये पेस्ट हो गया यानी सेव हो गया। इसके बाद हम एक बार और यहाँ पे फिर से डेटा एंटर करते हैं। डेटा एंट्री शीट में आएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे, इसकी ईमेल टाइप कर देंगे, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सिटी का जो भी नेम है वो हम टाइप कर देंगे। इसके बाद एंटर करेंगे। इसके बाद सेव एंट्री वाली जो सेल है इसकी जो रो है इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स प्रेस करना है यानी कि कट, इसको यहाँ से कट कर लेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल वी प्रेस करना है तो यहाँ पर इस तरह से पेस्ट हो जाएगी। अब हमें सेव एंट्री वाली सेल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें कंट्रोल सी प्रेस करना है। उसके बाद हमें जाना है होम टैब में और यहाँ से पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो पे और सबसे नीचे आना है, यहाँ पे लिंक्ड पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक पिक्चर ओपन हो चुकी है कुछ इस तरह की। तो यहाँ पे मैं इसको उठा करके यहाँ पे लाके एडजस्ट कर लेता हूँ एकदम प्रॉपर तरीके से। अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। पिक्चर सेलेक्ट रखना है हमारा, सेव एंट्री वाली जो पिक्चर है इसको सेलेक्ट रखना है और यहाँ पे हमें कोई भी एक फॉर्मेटिंग दे लेनी है कुछ इस तरह से। यहाँ पे काफ़ी सारे हमें जो लिस्ट मिल जाएगी तो मैं कुछ इस तरह की यहाँ से फॉर्मेटिंग दे ले रहा हूँ इसको। और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, इसके बाद मैं जाऊँगा असाइन माइक्रो पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अभी हमने जो माइक्रो रिकॉर्ड किया था वो डेटा एंट्री के नाम से किया था तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों अब क्या होगा, मैं बाहर क्लिक करूँगा और जैसे ही इस सेव एंट्री वाले इस पिक्चर पे इस ऑप्शन पे लेके जाऊँगा अपनी इस माउस पॉइंटर को तो यहाँ पर एक हाथ का आइकन आ रहा है। अब यहाँ पे हमें बार बार माइक्रो को रन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी डेटा है वो यहाँ से रिमूव होकर के डेटाबेस वाली सीट में जाके यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसी तरह से मैं एक बार और कोई डेटा एंटर कर लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ से हमें जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से डिपार्टमेंट हम सेलेक्ट करेंगे और सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। सिटी सेलेक्ट करने के बाद हमें सिंपल सेव एंट्री पे क्लिक करना है तो हमारा जो भी डेटा है वो यहाँ से हट करके डेटाबेस वाली सीट पे जाके इस तरह से यहाँ पे आके सेव हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आपके पास बहुत सारा डेटा है उसको फटाफट आपको टाइप करना है तो आपको ऐसे करोगे तो आप बहुत ही जल्द उसको टाइप कर सकते हो और अपने घंटों के काम को कुछ ही मिनट्स में कर सकते हो। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं कुछ तरह से। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू हमारी है इनको हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे और इनका जो कलर है वो हम वाइट कर देंगे, ये यहाँ से हाइड हो जाएंगे और यहाँ पर हम इनको इस तरह से सेलेक्ट करके, सेलेक्ट करने के बाद हमें जो फॉर्मेट है उसमें चेंजेज कर लेना है। जो भी हमें कलर देना है वो इस तरह से हम दे सकते हैं, देखिए जो भी आपको कलर पसंद है वो आप कलर दे सकते हो। तो मैं इस कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम कोई भी डेटा टाइप कर लेते हैं, उसका फ़ोन नंबर हम टाइप कर देंगे जो भी है और यहाँ से हम सिटी सेलेक्ट करेंगे। ये डेटा हमारा उठ करके यहाँ पर आ चुका है। अब हम इस सीट को सेव करेंगे तो सेव करने के लिए हमें फाइल मेन्यू में जाना है और फाइल मेन्यू में जाने के बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कहीं पर भी सेव कर लीजिए जहाँ पर आपको करना है। मैं एक्सेल फाइल का एक फोल्डर है यहाँ सेव कर रहा हूँ। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे आपको नाम देना है, कोई भी देना चाहो वो आप नाम दे सकते हो, ठीक है। सेव एज टाइप में आपको यहाँ पर एक्सेल माइक्रोज इनेबल्ड वर्कबुक ये सेलेक्ट करना ही है। अगर आप ये सेलेक्ट नहीं करोगे तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप
इस एक्सेल शीट को ओपन करोगे, ये जो माइक्रो है ये वर्क नहीं करेगा। तो अगर इसमें आप सेव करोगे तो आपका ये सेम, अब जैसे अब काम किया है उसी तरह से नेक्स्ट टाइम काम करेगा। तो इसे हम सेव कर लेते हैं, सेव। अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट टाइम तब भी इसको ओपन करेंगे इस शीट को, तो आसानी से हमें यही वर्क ये शीट करेगी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।